नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। अलीगढ़ में 2.5 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में यूपी की पुलिस अब सवालों के घेरे में। 30 मई को अलीगढ़ के टप्पल में यह बच्ची अपने घर से लापता हुई। 2 जून को पुलिस को टप्पल में ही एक कूड़े के ढेर से इस बच्ची का शव मिला। परिवार वालों की तरफ से लगातार दबाव के बावजूद आरोप है कि पुलिस मामले में टालमटोल करती रही। पुलिस कुछ और कहती रही, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और। पुलिस ने कहा रेप नहीं हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा बच्ची का शरीर इस लायक ही नहीं बचा था कि बलात्कार जैसे घिनौने अपराध की जांच की जा सके। दरिंदगी की कहानी के सबूत लेकर परिवार वाले, गांव वाले सड़कों पर बैठे रहे, तब जाकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, मामले ने हिंदू मुसलमान का रंग ले लिया। लोग पूछने लगे, क्या बच्चियों का भी धर्म देखकर इस देश में कानून और बुद्धिजीवी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं? तब जाकर पुलिस की नींद टूटी, बड़े अधिकारी कूदे, पॉक्सो जैसे गंभीर कानून के तहत कार्रवाई करने की बात कही जाने लगी, 5 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन जो सवाल उठे उनके जवाब तो देने पड़ेंगे, सरकार को भी, नेताओं को भी, पुलिस को भी, बुद्धिजीवियों को भी। क्या एक बच्ची के परिवार को 3 दिन तक तड़पते रहना पड़ा यह साबित करने के लिए कि उनकी बच्ची अगवा करके मार डाली गई है? क्या एक परिवार को सड़क पर बैठे रहना पड़ा यह पक्का करने के लिए कि पुलिस उनकी बच्ची के आरोपियों को गिरफ्तार तो कर ले? क्यों एक बच्ची के लिए कोई फिल्मी सितारा, कोई बुद्धिजीवी, कोई नेता को आवाज उठाने के लिए तब तक नहीं आया जब तक कि लोगों ने उनको सवाल पूछ पूछ कर उनकी नींद नहीं तोड़ दी? आज का दंगल अलीगढ़ की इसी मासूम बच्ची के परिवार की इंसाफ की जंग के लिए है। बेटी हम शर्मिंदा हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें किसी दरिंदे की नजर लगी थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें सिस्टम ने धोखा दिया। मुझे बस इतना ही चाहती हूँ, मोदी सरकार और योगी सरकार उसे इंसाफ ऐसा दो दुनिया देखे, उसे फांसी की सजा दो, जैसे इसने बच्ची के साथ किया है ऐसा ही हालत को, और उसे फांसी की सजा दीजिए। शर्मिंदा इसलिए है क्योंकि हम खुद को गर्व से सभ्य कहते रहे। अलीगढ़ का टप्पल, 30 मई की शाम को एक 2.5 साल की बच्ची अपने घर से गायब हो जाती है। रात भर जब उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो 31 मई को पुलिस में शिकायत की गई। इस शिकायत पर तो पुलिस को दिन रात एक कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं। 2 जून को बच्ची की लाश उसी के घर के पास कूड़े में पड़ी मिली। बच्ची की लाश का जो हाल था वो किसी की भी रूह कपा दे। फिर जाकर पुलिस ने कुछ हरकत की और 2 जून को मुख्य आरोपी जाहिद और 3 जून को आरोपी का साथी असलम गिरफ्तार हुआ। इसके बाद खबर इलाके में फैली, विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, मामला सोशल मीडिया पर देश भर में फैला। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। पहली ये कि बच्ची का शरीर पूरी तरह गल गया था। ऐसे में सवाल उठा कि क्या उसके शरीर पर एसिड डाला गया, जैसा सोशल मीडिया पर आरोप लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दूसरी बड़ी बात यह है कि बच्ची की दोनों आंखों के अंदर के सॉफ्ट टिश्यू गायब है। इससे इस बात की भी आशंका है कि या तो आरोपियों ने या फिर जानवरों ने बच्ची के शव से आंखें निकाल ली। इस रिपोर्ट में एसिड डालने की या गला घोटने की कोई बात नहीं है। हाँ, इस रिपोर्ट में जो लिखा है कि रिपोर्ट 3-4 दिन पुरानी थी, इससे जो बोला सड़न गलत पैदा हो गई थी जिसमें शरीर का फूलना है, जगह जगह से स्किन का हटना है, मैगेट्स का पड़ना है, ये जो है सड़न की वजह से है कि ये जो है शरीर उसका गल चुका था। मौत का मेन कारण है कि जो मृत्यु पूर्व की आई चोटें थी उससे सदमा होना बताया गया है। मृतिका की आंखें के बारे में इसमें लिखा है कि सॉफ्ट टिश्यू गायब था, लेकिन उसकी आई जो है वो ऑर्बिट जो थी वो बनी हुई थी। ऐसा तो 3-4 दिन पुरानी डेड बॉडी में संभव हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि बच्ची का यूटरस और योनांग गायब मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ ये खुलासा इस बात की पुष्टि नहीं करता कि बच्ची से रेप हुआ, लेकिन इस बात का दावा भी नहीं किया जा सकता कि बच्ची से रेप हुआ ही नहीं। लेकिन जब बच्ची से रेप के आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू हुआ और मामले में सांप्रदायिक रंग तलाशे जाने लगे, तो अलीगढ़ के पुलिस कप्तान आकाश कुल्हारी ने क्या दावा किया, जरा इसे सुन लीजिए। देखिए, इसमें जो एक सोशल मीडिया में काफ़ी एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो है इसमें एसिड अटैक हुआ है और इसमें रेप भी हुआ है और आंखें निकाल ली गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड को हम लोग भी देख रहे हैं,
तो पीएम रिपोर्ट अभी मेरे पास में है। पीएम रिपोर्ट में डेथ ड्यू टू एंटीमार्टम इंजरीज आया है और उसके अलावा जो पूरा मेडिको लीगल एग्जामिनेशन हुआ है उसकी एंटीमार्टम इंजरीज जो है उसमें कहीं पे भी एसिड का या किसी भी तरह के केमिकल रसायन का वर्णन नहीं है या उसकी पुष्टि नहीं हो रही है और किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस या रेप की पुष्टि अभी तक नहीं की है। अब जब इस मामले पर आज तक ने खबर दिखाई तो पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जांच में फॉरेंसिक लैब की मदद ली जा रही है और अलीगढ़ पुलिस के 5 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस पहले झूठ बोलती रही, क्या मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती रही, क्या पुलिस के रवैये से मिली ढील ने मामले में सांप्रदायिक रंग भर दिया। परिवारजनों ने अपनी बातें कही हैं, एक एसआईटी का गठन भी किया गया है और एसआईटी में एसपीआरए वहां के सीओ और 4 इन्वेस्टिगेटर्स लगाए गए हैं, फोरेंसिक साइंस की टीम भी लगाई गई है और एक्सपर्ट्स लगाए गए हैं सर्वेलेंस के और एसओजी के, और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट जो लगा हुआ उसके लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे कि कठोर से कठोर सजा और जल्द से जल्द इसमें हो। आरोपियों जाहिद और असलम का बच्ची के परिवार से 5,000 रुपयों को लेकर विवाद बताया जा रहा है। अकरम खान और शिवम सारस्वत के साथ हिमांशु मिश्रा, अलीगढ़ आज तक। तो आपको बता दें कि ये बच्ची मात्र 2.5 साल की बच्ची थी, इसलिए ना तो हम आपके सामने इसका नाम लेंगे और ना ही इस बच्ची का चेहरा हम आपको दिखाएंगे। आप इसे कुछ भी कहकर बुला सकते हैं। उस बच्ची का परिवार हमारे साथ है, मेरे सहयोगी हिमांशु वहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ नुपुर शर्मा है जो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता है, मोनिका अरोड़ा हमारे साथ है वो राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ इंद्रजीत सिंह टिटू आ गए हैं वो भी राजनीतिक विश्लेषक है, सतीश प्रकाश भी हमारे साथ होंगे वो भी राजनीतिक विश्लेषक है। हम हिमांशु के पास चले, उसके पहले आपको बता दें कि हमारे साथ आकाश कुल्हरी भी होंगे जो कि एसएसपी हैं अलीगढ़ के, जिनको लेकर ये सवाल है कि 2 दिन पहले कैसे उन्होंने ये कह दिया कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, जबकि पोस्टमार्टम की ये रिपोर्ट कह रही है कि बच्ची का शव ये साबित कर पाने की हालत में ही नहीं था कि बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं हुआ। हिमांशु, सबसे पहले तो जो परिवार के लोग आपके साथ हैं, हम चाहते हैं वो पूरे देश को एक बार बताएं कि क्या कुछ हुआ, कैसे वो पुलिस के पास गए, कार्रवाई हुई नहीं हुई, हुई तो कब हुई, क्या कुछ झेलना पड़ा उन्हें कार्रवाई के लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ उनके पेरेंट्स, माँ और पिता दोनों लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं, ये बताएं कि पहले दिन जब आपकी पत्नी बच्चे जो आपके गायब हुई बच्ची, तब आपने ढूंढने की कोशिश की, पुलिस को भी तो इन्फॉर्म किया आपने, तो पुलिस ने उस वक्त क्या किया? जो मतलब उस टाइम पे एफआईआर लिखवा दी थी और एफआईआर लिखवाने के बाद में उसने बोला था कि हम जीडीपी कल चढ़ा देंगे और उसी दिन जीडीपी कल चढ़ा देंगे अगले दिन। हाँ, उसका पूरा 24 घंटा का उसका मोहलत होती बता लेंगे तो अच्छा। और उसी दिन से अपनी कार्रवाई चालू कर दी थी उसने, और फिर 2 तारीख की मिलने सब मिलने के बाद में उसने पूरी छानबीन चालू की थी। छानबीन चालू हुई बॉडी मिलने के बाद? पहले चालू कर दी थी उसने, जैसे 31 तारीख को कर दी थी उसने, चालू कर दी थी। अच्छा, आप बताएं कि जब बॉडी मिली तो शक आप लोगों ने जाहिद पर खुद जाहिर किया या फिर पुलिस ने उसे अपनी तरफ से अरेस्ट किया? ऐसा है, वो पिताजी के पिताजी ने कुछ मुवद्दा हुआ था, उसका कुछ अनुभव वो आ गया था, उन्होंने अचानक ही बॉडी देखने, जस्ट उसके घर के सामने बॉडी को देखा, बॉडी देखने के बाद ही वो घर से निकल रहा था, जनी अचानक निकल रहा था, उन्होंने वहीं पकड़ के बोला यही है वो बंदा जो कि इसको मारा है। तो अचानक फैमिली ने, आप लोगों ने शक जाहिर किया था, जाहिर शक जाहिर किया था, वजह क्या थी? वजह ये थी, तो 2-3 दिन पहले पिताजी से और भाई से मुहब्बत हो गया था, अचानक ही याद आ गई कि कुछ उसने ये किया है अंदर, जब ही शक गया था उन पर अचानक ही। पुलिस का पूरा रवैया कैसा रहा शुरुआत में, जब आप पहली बार थाने गए तो किस तरीके से पुलिस ने आपसे बात की, क्या आपकी रिपोर्ट लिखी, एफआईआर कितने देर बाद दर्ज किया? यानी 30 तारीख को सुबह 8:30 बजे हमारी बच्ची जब निकली थी वहाँ से, उठाई थी, तो हमने आसपास 2-3 घंटे घूमे और जी घूमने के बाद देखा कहीं नहीं दिखाई दी, तो हम 12 बजे करीब पुलिस गए, थाने गए, और थाने जाने के बाद में उन्होंने बोला अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए और हम आपको कोई आएगा ये लड़की को छोड़ने या सूचना मिलेगी आपको सूचना करेंगे, आप बच्ची निकल गई होगी इधर उधर देखिए जी।
बच्ची है निकल गई, इधर उधर खोजते रहिए, खुद ही खोजते रहिए आप लोग। और उसके बाद जब बॉडी मिली, फिर उसके बाद पुलिस का रवैया कुछ बदला? हाँ जी, ये पहले स्टार्टिंग में पुलिस का रवैया ये था कि लूजिंग पॉइंट रहा, जो कि पुलिस की ये लूजिंग पॉइंट से ये घटना हुई, अन्यथा वो शुरू में कार्रवाई करते तो ऐसी घटना नहीं होती। और जब जिस दिन से बॉडी मिली हमारे को इस कंडीशन में कि उसका हाथ कटा हुआ था, हमारे को लगता ऐसा एसिड वगैरह पड़ा हुआ था, यानी इतनी बुरी हालत में बॉडी मिली हमारे को कि देखा नहीं जा रहा था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था। हम तो पहचानी केवल पहचान उनकी एक कैपली थी, यानी कच्चा टाइप का, उसके पीली कैपली से पहचान हुई थी, नहीं पहचान ही नहीं पा रहे थे हम, इतना बुरी हालत की थी। हिमांशु, वापस आते हैं तो, आपके पास परिवार बता रहा है किन परिस्थितियों में पुलिस ने जांच की, किन परिस्थितियों में एक एक चीज सामने आई, वो आगे आगे पुलिस से बात करते रहे, बताते रहे, लेकिन वो गिरफ्तारी लटकती चली गई जब तक कि लोग सड़कों पर नहीं आ गए। आकाश कुलरी हमारे साथ आ गए हैं, जो कि एसएसपी हैं अलीगढ़ के। एसएसपी साहब, लोग लगातार सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे थे, आपकी तरफ से एक बयान सोशल मीडिया पर डाला गया जिसमें आपने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है, रेप नहीं हुआ, और आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह कहती है कि हालात ऐसे थे ही नहीं कि रेप हुआ या नहीं, इसकी जांच कर लें। क्यों आप लोग वॉचअप करने की कोशिश करते रहे? नहीं सर, बॉटअप नहीं कर रहे हैं, मैं बस ये पूछा गया था तो मैंने इतना बताया था कि उसमें कहीं भी सेक्सुअल ऑफेंस या रेप का मेंशन नहीं है, बट स्टिल तीन डॉक्टर्स के पैनल ने उसका एग्जामिनेशन किया था और जो वजिनल स्वैब्स और जो स्लाइड्स हैं ऑलरेडी हमने एफएसएल लैब के अंदर आगरा जो एडवांस एफएसएल लैब था वहाँ भेजी हुई है एंड उसकी रिपोर्ट अवेटेड है एंड बिफोर द रिपोर्ट कम्स वी कांट कम टू अ कंक्लूजन। That was the only thing which I told very clear all the things. SSP साहब, आपको नहीं लगता आपके जैसे जिम्मेदार पद पे बैठे अधिकारी का ये कहना कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा आना कि बच्ची की हालत ही ऐसी नहीं है कि रिपोर्ट तय कर सके रेप जैसा अपराध हुआ कि नहीं, और उसके यौनांग निकाल लिए गए हैं, शरीर के अंदर मौजूद नहीं है, आपको नहीं लगा कि ये कितनी संगीन चीज हो सकती है? सर आप मेरी बात समझिए, आपने सीएमओ का भी अभी चलाया था, सीएमओ ने भी जो बाइट दी है, तो सीएमओ इज द हेड ऑफ द मेडिकल ऑफिसर जिसके तहत में वो हुई है कॉन्स्टिट्यूट, इवन ही इज सेइंग द सेम थिंग दैट वी कांट राइट डाउन राइट नाउ और वी कांट क्लेम इट, बट वी हैव डन ऑल आवर बेस्ट, वी हैव सेंड द फ्लाइट्स टू द एफएसएल एडवांस लैब्स, उसकी रिपोर्ट आएगी एंड इफ दे कंफर्म वी विल डेफिनेटली we are not denying this thing। आकाश जी, सवाल इसीलिए उठा कि आप लोगों ने डिनाई भले ना किया हो खुल के, हालांकि आपके बयान में तो एक लाइन ये भी थी कि रेप नहीं हुआ है, भले पहले आपने ये कहा हो कि रेप की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन पुलिस को जब दूसरी परिस्थिति सामने साफ साफ दिख रही थी कि ये संभावना हो सकती है, आपको वो नहीं सार्वजनिक करनी चाहिए थी कि ये संभावना है? तो सर संभावना तो पहले भी कह रहा हूँ कि वो जो ऑलरेडी स्लाइड गई है उसका रिजल्ट अवेटेड है, एफएसएल के अंदर रिजल्ट अवेटेड है। आई एम ऑल्सो ब्रीफ्ड व्हेन आई गेव माय बाइक, आई एम ऑल्सो टोल्ड दैट कि स्लाइड हैज बीन सेंट टू द एडवांस लैब फॉर वजीनल स्वैब किए गए हैं, और उसके अंदर हर सेक्सुअल ऑफेंस में यही प्रक्रिया होती है दैट अगर किसी पीएम के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता है रेप का या सेक्सुअल ऑफेंस का, तो स्लाइड विल बी टेकन बाय द डॉक्टर्स एंड दे विल बी सेंट टू द एडवांस लैब्स फॉरेंसिक लैब्स, एंड जब उसकी रिपोर्ट हमारे पास में आती है देन ओनली वी आर एबल टू कंफर्म व्हेदर द सेक्सुअल ऑफेंस हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो एज पर द प्रोसीजर ऑफ द लॉ, आपके मुताबिक जांच ठीक दिशा में जा रही थी, बिल्कुल सही चल रही थी जांच? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने पांच लोग सस्पेंड क्यों किए सर? पांच लोग सस्पेंड क्यों हुए? पांच लोग सस्पेंड इसलिए हुए थे क्योंकि उसके अंदर जब ये जो जांच कराई गई थी एसपी देहात से, तब वो उसके द्वारा बताया गया था कि जब बच्ची गायब हुई थी या बच्ची मिसिंग हुई थी 30 तारीख को सुबह, तो ये जो है शाम को वहां पे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और इन लोगों ने अपनी कंप्लेंट या वहां पे दी थी, उसमें जो है हिला वाली ये लोग किए थे पुलिस वाले जो एसओ थे, और जो उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया था, बोला था कि अभी आप ढूंढिए, अगर नहीं मिलती तो आप हमको बताइए, हम लोग जो है उसमें मदद करेंगे। उसके बाद 31 तारीख को उसमें मुकदमा रजिस्टर हुआ था सुबह के करीब में, जिसमें अपहरण का अज्ञात में मुकदमा रजिस्टर किया गया था, और उसके बाद से पुलिस ने हर संभव प्रयास किए थे 31 के बाद से, तो वो जो एक डिले जो हुआ था उसको लेकर के वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड इंक्वायरी, उसमें एसपी देहात ने अपना डिटेल्ड इंक्वायरी करके रिपोर्ट भेजी है, उसके आधार पे पांच
जो सब एसओ था, जो दो तीन सब इंस्पेक्टर का कॉन्स्टेबल थे, उनका सस्पेंशन उस जांच के बिना से हुआ। आकाश जी, आप इस बात को एहसास कर पा रहे हैं कि उस हिला हवाली में, जिसको आपने दो शब्दों में समेट दिया है, एक बच्ची, उसकी जान चली गई, एक परिवार, उसने अपना बच्चा खो दिया, और पूरे समाज में इस वक्त जो परिस्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि लोगों ने सीधे सीधे तौर पर कहा कि धर्म की वजह से आप लोग कार्रवाई करने से बच रहे हैं, जबकि परिवार नामजद शिकायत कर रहा था, फिर भी शिकायत अज्ञात लोगों के खिलाफ हमने अरेस्टिंग की, हमने अरेस्टिंग की, दोनों की अरेस्टिंग करी है। परिवार ने जो तुरंत बताया था, परिवार ने जो दोनों बताए थे तुरंत हमने अरेस्टिंग की। ऐसा नहीं कि उसमें कोई हिला हवाली हुई है या उसमें हम लोगों ने डिले किया हो या हमने कोई रिलीजन को लेकर के कुछ, इट वाज नॉट एट ऑल, वी ऑल वर वेरी सेंसिटिव। आई वाज एट द स्पॉट व्हेन द किड वाज फाउंड आउट, आई वाज एट द स्पॉट एंड वी, तो उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन था, मतलब आप देखेंगे वहां पे धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, वी वर हैंडलिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑल्सो एंड मीनवाइल अ टीम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको उसी दिन पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई थी। बकायदा पूछताछ करने के बाद में उसको जुडिशियल कस्टडी से दोनों लड़कों को भेजा गया है एंड जितना स्विफ्टली वी वर एबल टू डू द एक्शन वी डिड इट। शुक्रिया। इसमें कोई हिलावाली उसके बाद में हमारी तरफ से नहीं हुई है सर, आई कैन गारंटी यू दैट। शुक्रिया आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। आकाश कुलारी ये भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हिला हवाली नहीं हुई, और ये भी कह रहे हैं कि हमने 5 पुलिस वालों को इसलिए सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो हिला हवाली कर रहे थे। नूपुर शर्मा, आप लोग कहते थे अब तो योगी सरकार आ गई, अब तो रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन बदला तो कुछ भी नहीं। जिन चीजों के लिए आप लोग सड़कों पर होते थे, आज उन चीजों के लिए और लोग सड़कों पर। सबसे पहली बात तो मैं रोहित जी ये कहना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ बैठ के पुलिस की कामयाबी या नाकामयाबी के ऊपर यहाँ पे किसी इनडिफेंसिबल को डिफेंड करूँ और फालतू में राजनीतिकरण करूं, इतनी अभद्र घटना हुई है और 2.5 साल की बच्ची को जिस तरीके से उसके साथ ये टॉर्चर मीट आउट हुआ है, उसकी लाइफ गई है, मैं या वो करने नहीं आई हूँ मैं, लेकिन ये जरूर कहने आई हूँ कि पुलिस की नाकामयाबी, चाहे यूपी पुलिस की खासतौर से, चाहे वो आरुषि तलवार हत्याकांड हो, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन तब बॉचअप हुई थी और आज हो, इसके ऊपर आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड द इनडिफेंसिबल। आज मैं एक महिला और एक वकील के नाते आपके सामने बैठी हूँ, लेकिन आज मैं एक हिपोक्रेसी के बारे में जरूर बोलने आई हूँ कि आपके सामने एसएसपी साहब खुद कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है पूरी इन्वेस्टिगेशन की, मैं कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन क्लैरिटी फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसे आर्मचेयर एक्टिविस्ट हैं और सेलिब्रिटीज और एक्टर्स हैं बॉलीवुड के जो ऑलरेडी एक सर्मन्स इशू कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा कि मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए कि रेप नहीं हुआ है, आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रही हैं नूपुर शर्मा, बड़ी समझदारी से आप गोल पोस्ट शिफ्ट करके सेलिब्रिटीज पे डाल दे रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कितने बयान दिए अलीगढ़ की बच्ची के लिए, अब तक बताइए मुझे, कौन गया वहां, कितने बयान दिए, आप इसको ये कह के टाल सकती हैं कि हम राजनीतिकरण नहीं करेंगे इसका? मुख्यमंत्री का बयान देना राजनीतिकरण नहीं होता ना? हमारी, आई एग्री विद यू, हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा जी का बयान आ चुका है, ही इज अ स्पोक्सपर्सन, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, कैबिनेट मंत्री है, सीनियर मंत्री है हमारी सरकार के, उनका बयान आ चुका है, एसआईटी के घटित का अनाउंसमेंट उन्होंने ही किया था, 5 जो पुलिस कर्मी है इनको सस्पेंड किया गया है, उन्होंने ये बताया था, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, आप माफी दे देते उनको किसी मंत्री से बयान दिलवाने के लिए? देखिए मैं नहीं बोलती, आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोला आपने यहीं बैठ के पहले भी? देखिए रोहित जी, अगर मेरी सरकार में से और अगर हमारी पार्टी में से कोई ऐसा बयान देगा कि लड़के हैं गलती हो जाती है, और मुख्यमंत्री खुद एक महिला पत्रकार से कहते हैं बुलंदशहर के रेप कांड के बाद कि तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना, तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो, तो मैं जरूर यहाँ पे आके माफी मांगती। हम इतने कैलेस नहीं है, एसआईटी भी गठित हमारी ही सरकार ने की है, और मैं आपको दोबारा दोहरा रही हूं कि यूपी पुलिस की नाकामयाबी का यहां पे बैठ के मैं पक्ष लूं और उनका डिफेंस करूं, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। इनको ढंग से काम करना चाहिए था इससे पहले कि ये सर्मन इश्यू करते थे पुलिस खुद कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। मान लिया, कठुआ का भी एक केस था, उसमें भी रेप नहीं लिखा था, लेकिन फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर कितना बड़ा उसका बवाल मचाया गया था, प्लैकार्ड्स आ गए थे क्योंकि पिक्चरें रिलीज हो रही थी। आज वही लोग कह रहे हैं यहां तो रेप ही नहीं हुआ है, जस्ट अ मर्डर, स्टॉप स्प्रेडिंग योर हेट एजेंडा। जब आप एक पूरे धर्म को और एक देश को गाली दे देते हैं और कहते हैं आप शर्मिंदा है कि आप हिंदू हैं और आप हिंदुस्तानी हैं क्योंकि ये कठुआ में हुआ है जिसमें फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अब भी इसको हिंदू मुसलमान के खांचे में बांटकर अपना नुकसान कर रही है, अपने समाज का नुकसान कर रही है, अपने देश का नुकसान कर रही है। नहीं रोहित, मैं नहीं बांट रही, मैंने कुछ नहीं कहा था कठुआ के केस में, मैं अभी भी ये नहीं कह रही हूँ।
ये मेरा ट्वीट नहीं है कि नफरत ना फैलाएं, अपने एजेंडा से ना काम किए। आप जाके मेरी ट्विटर टाइमलाइन पे देख लीजिए, आज मैं पहली बार आई हूँ इस किस्से में। मैंने ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए हैं कि मैं नफरत का एजेंडा नहीं है, बेचारी बेटी की मौत हुई है, रेप नहीं हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जिन लोगों ने कहा है उनकी बात दोहरा रही हूँ। लेकिन आपने ये भी नहीं कहा नूपुर शर्मा इस बार कि योगी आदित्यनाथ जी एक महिला होने के नाते और आपकी पार्टी की इतनी बड़ी नेता कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप खुद इस मामले में कदम उठाइए और उन पुलिस वालों पर कार्रवाई कीजिए। आप खुद सामने आइए और इस देश के बच्चियों को, इस उत्तर प्रदेश की बच्चियों को ये यकीन दिलाइए। रोहित जी, मैं ये तब कहती अगर हमारी सरकार काम नहीं करती उत्तर प्रदेश में। हम खुद नोएडा में बैठे हुए हैं। क्या 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं हुए? क्या वो दोनों अरेस्ट नहीं हुए? और सुन लीजिए, क्या SIT गठित नहीं हुई? NSA उस पे लगाई नहीं गई? पॉस्को उस पे लगाई नहीं गई? I'm sorry, ये वो काम नहीं है राजस्थान में कि चुनाव चल रहे हैं तो अलवर का एक जो गैंग रेप आया था जिसका वीडियो वायरल हो गया था, वीडियो वायरल हुआ तब पता चला कि वहां पे पुलिस इस मामले को दबा रही थी एक दलित महिला का। और ये वो एक वो सरकार नहीं है कि उसके चंद दिनों बाद एक 12 साल की बच्ची का रेप हुआ। एंड I'm sorry टू से, एक मीडिया हाउस को छोड़कर किसी और रिपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि राजस्थान पर वहां पे किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी की सरकार। बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर मोनिका जी और सतीश जी से कमेंट। बोलिए। निपुण मैडम से कहना चाह रहा हूं कि देखो सर, जो मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है कि अगर दूसरी सरकारें ठीक ठाक कर रही होती सब कुछ, तो आपके पास, आप जिस आधार पे पब्लिक के बीच में जाके आपने वोट लिए, इतना बड़ा मैंडेट लिया, वो ये कहा कि जो पहली सरकारों ने गलती हुई है वो शेष सरकार नहीं करेगी। हम बार बार दूसरी सरकारों के बारे में कहेंगे तो फिर सरकार बदलने का फायदा क्या होगा? पहली बात। फिर BJP को जो कुलदीप सेंगर जी ने करा, जो संतोष पाराशर ने करा, जो हमारे इनके विधायक सेंगर जी ने करा, क्या इनसे BJP को सीख नहीं लेनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ 5 अधिकारी, ठीक है 5 अधिकारी अपने सस्पेंड करें, एक प्राथमिकता है ये, लेकिन 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 महीने बाद उनको कहीं ना कहीं थाना बदल दिया जाएगा, उनकी ड्यूटी बदल दी जाएगी। क्या 2.5 साल की वो बच्ची, उस परिवार की बच्ची, क्या मेरी तुम्हारी बहन बेटी कहीं, अगर मान लो हमारे किसी परिवार किसी साथ में जो माहौल बना है, क्या हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे? 2.5 साल की बच्ची क्या वापस आ पाएगी? ये जब तक आप लोग दूसरों से अलग कोई एक मैंडेट, कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जो थर थर कांपे, इस तरीके का कानून जब आप 90 दिन पहले 10% आरक्षण का बिल लाके पास कर सकते हैं, तो सरकारें जो चाहे रात में भी कर सकती हैं। जब तक आप सख्त से सख्त कानून जिसका नाम सुन सकते दहशत लगे जब तक नहीं लाएंगे, हम दूसरी सरकार को दोषने से अपना भला नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद आते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब विस्तार से अपनी बात रखिएगा। मोनिका जी भी अपनी बात कहना चाहती है, सतीश प्रकाश भी कहना चाहते हैं। आरोप है कि पुलिस ने पहले मामले को दबाया, पहले बचाया नहीं और उसके बाद इस पूरे मामले को दबाया। जब परिवार पहुंचा पुलिस के पास तो कहा गया कि जाओ ढूंढ लो, कहीं आसपास ही होगी, और 24 घंटे बीत जाने के बाद जब दबाव हुआ तब पुलिस ढूंढ कर लाई तो बच्ची की लाश, वो भी ऐसी जिससे यह तक तय ना हो पाए कि उसके साथ कैसी दरिंदगी हुई। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, दंगल जारी है, आप देख रहे आज तक ना आना इस देश मेरी लाडो। आज ये बात इसलिए क्योंकि अलीगढ़ की एक 2.5 साल की मासूम बच्ची के परिवार का आरोप है कि उनकी बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या करके शव को फेंक दिया गया और पुलिस 1.5 दिन तक टालमटोल करती रही, उनसे ये कहती रही कि जाओ तलाश लो, यहीं कहीं आसपास होगी। अब जब सवाल उठने लगे, जब मामले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जाने लगा, जब लोग ये पूछने लगे कि भाई इस पर वो सब लोग कहां हैं जो हर मामले पर बढ़ चढ़कर बोला करते थे, तब जाकर पुलिस को यह महसूस हुआ कि नहीं, देश को जवाब देना पड़ेगा। तब यह कहा गया कि इस मामले में बड़े सख्त कानूनों के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। सतीश प्रकाश अपनी बात रखिए, ब्रेक के पहले आप कुछ कह नहीं पाए थे, बोल लीजिए, फिर मोनिका जी आपका कमेंट देता हूं। बोलिए। नहीं रोहित जी, देखो मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस की ये तो सच है कि जग जाहिर है कि अगर पुलिस 5 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है तो पुलिस को जिस तरीके से काम करना चाहिए था, अगर 8 बजे बच्चा गुम हुआ है, 12 बजे उनके परिवार के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वाले स्पेशली, क्योंकि वो कोई शहर नहीं है, टप्पल एक बहुत छोटा सा गांव है ना, गांव में अगर कोई बच्चा गुम हो जाए तो उसको ढूंढना पूरी कोशिश करी होगी उन परिवार के लोगों ने। मेरे हिसाब से अगर पुलिस इसको बहुत गंभीरता से लेती तो हो सकता था कि वो आरोपियों पे दबाव बना करके उस बच्चे की जान को बचाया जा सकता था। रही बात किसी भी, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, नूपुर जी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि BJP की प्रवक्ता होने के साथ साथ वो भी एक महिला है और बच्चे की स्थिति जो है वो चाहे किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो,
उसके साथ इस तरह की जाति अगर हो रही है और उनके परिवार को क्या इंसाफ मिलेगा। मेरे हिसाब से सरकार चाहे बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, सबके ऊपर एक सवाल है। अगर 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 आपको मौका दिया है जनता ने, तो वो इसलिए दिया है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास इससे पहले की सरकारों में नहीं रहा। उनको लगा कि बीजेपी शायद बेहतर काम करेगी। आज बीजेपी को भी बड़ी संज्ञानता लेनी चाहिए, चाहे इससे पहले जो भी घटनाएं हो, चाहे वो उनके विधायक राजनीति मत लेकर आइए, आप खुद बीजेपी और बाकी पार्टी की बात करें। मेरी बात सुनिए सतीश जी, मैंने समझना पड़ेगा सतीश जी, आपको समझना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पुलिस वही रहती है। आप समझिए, एक सेकंड मनिका जी, आप आराम से बोलिए। सतीश जी क्या होता है ना, सुनिए सवाल पूछूंगा। अच्छा सतीश जी, सवाल पूछिए ना, सवाल पूछने के लिए तो आपको बुलाया। एक सेकंड, लेकिन नूपुर आपकी बात का जवाब देना चाह रही है। आपने जो कमेंट किया नूपुर का नाम लेके, वो कह रही है मैं जवाब देना चाहती हूँ। बोल लीजिए फिर मोनिका जी, आप बोलिए अपनी बात। की जरूरत नहीं है बसपा के आप समर्थक है, आपकी मुझे जरूरत नहीं है बताने के लिए कि मैं महिला हूँ क्या हूँ, क्योंकि अभी जब मोनिका जी ने आपको करेक्ट करने की कोशिश करी तो आप तो उनपे चिल्ला दिए, तो आप तो मर्द बन नहीं जाएंगे। मुझे बता दे कि मैं महिला हूं कि क्या हूं, और मोनिका जी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सुन लीजिए, अगर आप इतने ही बढ़िया, आप इतने ही क्लियर और न्यूट्रल इंसान है, तो अतुल रॉय आपका कैंडिडेट क्यों था, बीएसपी का कैंडिडेट क्यों था घोसी से, पूरे अपने चुनाव प्रचार में शक्ल क्यों नहीं दिखा पाया भैया, उसकी जगह पार्टी कर रही थी वहां प्रचार। आप ही समर्थक क्या करते हैं भैया बीएसपी का, और मेरे साथ में सरदार जी बैठे हुए हैं। मैं मान लेती हूँ ये लोग न्यूट्रल विश्लेषक है, अगर ये सिर्फ दो बीजेपी लीडर का नाम तीन बार ना गिनवाते, ये बिक्रम सिंह जम्मा जो असम खुले बाजार में भरी दोपहरी में चप्पल पड़ी थी, ये गायत्री प्रजापति का नाम ले लेते, ये गोवा के कांग्रेस का कांग्रेस एमएलए मौसराटी का नाम ले लेते। नहीं सुन लीजिए, नूपुर जी मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिए ना नूपुर जी, मैं महिला हूं, मेरी बात एक बात कंप्लीट। नहीं पहले मेरी बात सुनिए, नहीं नूपुर शर्मा मेरी बात नहीं लीजिए, मेरी एक बात सुनिए इंद्रजीत जी, आप भी रुक जाइए एक सेकंड। आप तीनों लोग बड़ी मतलब साफ गोई से जनता के सामने आके कहते हैं नहीं आज तो हम राजनीति नहीं करेंगे, उसके बाद जब शुरू करते हैं तो राजनीति के अलावा कोई बात नहीं करते। रोहित जी मैंने एक दूसरे को केवल ये बताते हैं कि तुम बलात्कारी हो, तुम्हारे पास बलात्कारी है, तुम्हारी पार्टी में बलात्कारी है। आपके मंत्री कुलदीप सिंह सेंगर को धन्यवाद करने जाते हैं जेल के अंदर, जो बलात्कार के आरोप में बंद है। बिल्कुल गलत है, माफी मांगी आपकी पार्टी ने, गलत है, शर्मिंदगी जताई किसी ने, हमारी पार्टी ने नहीं भेजा कुलदीप सेंगर जी को, जब तक कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई की आपने उन पर, आपने क्या कार्रवाई की उन पर, मैं कह रहा हूँ गायत्री प्रजापति को छोड़िए, आप जिस पार्टी से हैं वहाँ साक्षी महाराज पर आपने क्या कार्रवाई की कुलदीप सिंह सेंगर को, जब वो धन्यवाद करने गए आपकी वजह से मैं जीत गया। मेरी बात पूरी हुई, अगर इतने ही आप न्यूट्रल थे तो राजनीति नहीं करूंगी, लेकिन सारे केवल राजनीतिक बयान दूंगी, मैं राजनीति नहीं करूंगी लेकिन केवल राजनीतिक बयान दूंगी, यही ना कि मैं गायत्री प्रजापति ले आऊंगी, मैं अतुल राय लाऊंगी, ठीक है फिर बताइए जनता को कि हम तो केवल राजनीति करते हैं, हमारा इंसाफ इंसाफ से कोई लेना देना नहीं। अतुल राय हम आते हैं कहने के लिए कि महिला होने के नाते बच्ची के बारे में हम इस तरीके से बात नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे हम भाई अतुल राय किसके थे, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार मोनिका जी से कमेंट करना चाहता हूं, एक सेकंड रुक जाइए, चिल्ला लेंगे, मैं एक बार कंप्लीट करना चाहता हूं, कंप्लीट कीजिए जल्दी। मेरी शुरुआती बात में जब तक इन्होंने राजनीति नहीं खड़ी करी, सतीश जी ने और ये सरदार जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, आपने मेरे मुंह से किसी भी राजनीतिक दल का या पार्टी का नाम सुना? मैंने सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट क्या की, यहाँ पे बैठ के मैं यूपी पुलिस का बचाव और पक्ष बिल्कुल नहीं लूंगी। चर्चा में लेता हूँ, जाहिर है जब सरकार अपनी होती है ना तो फिर सरकार पे नहीं, मंत्रियों पे नहीं, फिर पुलिस वालों पे सवाल उठाए जाते हैं। ये तो हमेशा का दस्तूर है ना कि जब अपना गले तक हाथ आने लगे तो अफसरों को निपटा दिया जाए, उस वक्त अफसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाए। लेकिन मोनिका जी, हर आदमी यही कह रहा है कि नहीं हम राजनीति नहीं करेंगे, बयान केवल राजनीतिक है। ऐसे में उस बच्चे के माँ बाप जो आप लोगों को टीवी पर देख रहे होंगे, उनको उम्मीद बनेगी कि आप लोग इंसाफ दिला रहे हैं उनके लिए, आप इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए। देखिए रोहित जी, जो बात अभी सतीश जी ने कहा, और सतीश जी इस बात का समर्थन करेंगे कि जो पुलिस होती है ना उसका एक अपना कल्चर रहता है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पुलिस को कहा गया है कि पुलिस स्टेशन सबसे अच्छा कौन सा है जहां अपराध नहीं होता,
पुलिस इसको इंटरप्रेट करती है कि जहां रजिस्ट्रेशन अपराध का नहीं होता वो सबसे अच्छा है। इसीलिए यहां आप देखिए मिसिंग बच्ची, वो मिसिंग रही 24 घंटे तक, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, पुलिस ढूंढने नहीं गई, पुलिस ने कहा हम देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी तब हम एक्शन करेंगे इसके ऊपर। क्यों नहीं पुलिस को सेंसिटाइज किया जाता, ट्रेन किया जाता कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के विमेन के खिलाफ के जो केसेस है उनको प्रायोरिटी पे लिया जाए, या महिला नहीं मिल रही है प्रायोरिटी पे लिया जाए, बच्ची नहीं मिल रही यहां पर। तो मैं एक चीज और कहूंगी सतीश जी, इंदर जी जी, पूरे देश में रोष है, आप पॉलिटिकल पार्टी मत देखिए इसमें। रोष क्या है, ये जिनको हम सेलिब्रिटीज कहते हैं, जिनकी पिक्चरें देखने के लिए हम लोग जाते हैं ना टिकट लेकर और बैठते और देखते हैं कि ये हमारे हीरो हैं, ये हमारे हीरोइन हैं। अच्छा। इनके जब डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं लगता है क्या हो रहा है। मेरा एक सवाल है, मैं रोहित जी एक बात कहूंगी, इतनी बड़ी वकील है, रोज टीवी पर होती है, मुझे केवल एक बात बता दीजिए इस देश में। हाँ अब मैं इसी पर आ रहा था, बहुत अच्छा कि आपने नाम लिया। एक सेकंड सतीश जी, क्या है ना आप स्काइप पर हैं, दो लोग एक साथ बोलेंगे तो आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, इसलिए रुक जाइए आपको मौका दूंगा। नहीं मुझे केवल ये बता दीजिए, सुनिए सुनिए, अच्छा मेरी एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, इनमें से अच्छा मान लीजिए सोनम कपूर आज ये प्लाकार्ड लेके खड़ी हो जाएं कि भाई मुझे शर्मिंदगी है कि भाई ये जाहिद जो था ये मुस्लिम था, इस तरह की बात, एक सेकंड नहीं मुझे एक बात बता दीजिए, तो क्या पुलिस उस पर जल्दी कार्रवाई कर देगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी लाके रख देगी? क्या स्वरा भास्कर पोस्टकार्ड लेके खड़ी हो जाए, प्लाकार्ड लेके खड़ी हो जाए तो केस सॉल्व हो जाएगा? देखिए रोहित जी, ये लोग रोल मॉडल्स हैं। आज मसला जो अपने आप को आज मसला नैरेटिव का है, आप लड़ाई आज नैरेटिव की लड़ रही हैं या बच्चे को इंसाफ दिलाने की, जबकि योगी की पुलिस ये कहा जाता रहा पिछले दो साल तक लगातार कि अब तो या तो अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए या फिर जेल में बंद है, अब तो कानून ऐसा है बस की मतलब कमाल है। सारे सस्पेंड हुए और मैं तो कहती हूँ इंक्वायरी हो, बर्खास्त होने चाहिए ऐसे लोग, ताकि सबक मिले बाकी लोगों के ऊपर कि कहीं अगर बच्ची गुमी है या महिला के अगेंस्ट में अपराध हुआ है सीधा उस पर कार्यवाही करें, प्रायोरिटी में करें। लेकिन मैं एक और चीज कह रही हूँ, आप देखिए सोसाइटी में ये हीरो है, हीरोइन है, रोल मॉडल्स है, हजार लोग इनको देखते हैं और कहते हैं कि ये लोग हैं, इनको देखकर हम ऐसे बनेंगे। ये लोग क्या करते हैं, ये धर्म देखते हैं, ये जाति देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमें गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कथुआ में ये लोग धर्म बताएंगे, एक्यूज का बताएंगे और जो वहां विक्टिम है उसका बताएंगे और यहां कह देंगे। एक बात बताइए, एक महिला होने के नाते आपका गुस्सा इस बात पर है कि एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची जो बोल भी नहीं सकती उसके साथ इतनी नाइंसाफी हो गई, या इस बात पर है कि फिल्मी हीरो हीरोइंस ने उस पर ट्वीट नहीं किया? गुस्सा इस बात पर है कि एक शैतान जो काम कर सकता है ऐसी हैवानियत हुई है बच्ची के साथ। दूसरा गुस्सा है कि पुलिस ने समय रहते ठीक से एक्ट नहीं किया, शायद वो बच्ची बच जाती। और तीसरा गुस्सा है जिनको देखकर हमारे भारत का आम इंसान जागता और सोता है कि वो लोग हिपोक्रेसी क्यों करते हैं, डबल स्पीक क्यों करते हैं। मोनिका जी, मैं ये कह रहा हूं नैरेटिव बिल्डिंग को लेके मेरे साथ बैठ के कितनी सारी बहस आप कर चुकी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आज का दिन सतीश प्रकाश नैरेटिव बिल्डिंग का नहीं है, आज का दिन इस बात का है कि उस बच्ची को इंसाफ कैसे दिलाया जाए, कैसे दिलाया जाए? और थोड़ा धीमे बोलिएगा क्योंकि आप ऊंचा बोलेंगे तो आवाज कटने लगेगी, आप स्काइप पर हैं क्योंकि। रोहित जी आज का दिन कहीं ना कहीं ये नहीं है, उनके परिवार को इंसाफ मिले, जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है कहीं ना कहीं। देखो मोनिका जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि वही थाने अच्छे हैं जहां कम से कम अपराध के मुकदमे दर्ज होते हों, अगर ये परिवार का रिपोर्ट उसी दिन दर्ज हो जाती तो हो सकता था कि हम उस बच्चे की जान बचा देते। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एक घटना घटी 10 दिन पहले, बागपत में एक महिला को मार दिया गया रेप की घटना करने के बाद, एक बच्चा 48 घंटे तक एक बच्चा वहां जंगल में रहा बागपत में, और उसके चीटों ने उसके अंदर उसके शरीर में पस पड़ गए। जब पुलिस को गांव वाले लोगों को वहां जाकर के जंगल में वो बच्चे की रोने की आवाज आई, वो बच्चा हॉस्पिटल में है और अभी तक भी वो, चूंकि उनकी मां अज्ञात में थी, उनका कोई एड्रेस नहीं है, वो बच्चा हॉस्पिटल में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंच जाए, ठीक है, जिन्होंने उसकी मां की हत्या की है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सजा। ओके जी बोलिए, बोलिए जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मामला दर्ज हो जाए। मैं भी वकील हूं, मैं जानती हूं कि मामले आधे से ज्यादा केसेस में दर्ज भी नहीं होते, लेकिन सतीश जी काश आपने ऐसी ही आवाज उठाई होती उस समय पे जब चुनाव के चलते हुए उस दलित महिला का अलवर के अंदर केस दबा दिया गया था,
तब आपने ऐसी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि आपका भी एजेंडा था। नहीं, आई एम सॉरी, आपने सुना रोहित जी, सतीश प्रकाश जी ने, क्योंकि बसपा के समर्थक है, बहन मायावती सब जानते हैं कि पिछली जाति की कितना उनके लिए काम करती आई है। सतीश जी की आपको आवाज सुनाई दी थी? मेरा एक सवाल है इंद्रजीत जी, अलवर के केस में इंद्रजीत जी छोटी बच्ची के साथ एक कमेंट इंद्रजीत जी से लेना चाहता हूँ। इंद्रजीत जी, एक बच्ची के साथ ढाई साल की रेप हो जाता है या उसकी हत्या हो जाती है, चाहे वो पैसे के लेन देन में हुई हो सकता है रेप की पुष्टि नहीं हो रही जो कि पुलिस अभी कह रही है, थोड़े दिन के बाद हो, या हो सकता है ना भी हो, हत्या हुई है बच्ची की, उसको मार डाला गया है, उसके साथ दरिंदगी की गई है, उसके शरीर के अंग गायब हैं, हम ये तलाश के तय करेंगे बोलना है कि नहीं बोलना है कि उसकी जाति क्या थी, उसका धर्म क्या था, वो किस तरह के उससे ताल्लुक रखती थी, तब जाके ये बात करेंगे। मेरे रोजी सबसे पहला तो कहना ये है, मुझे जब ये पता लगा कि इस केस पे डिबेट है, यकीन मानो मैं भावुक होकर यहाँ तक कैसे पहुंचा, एक ढाई साल की बच्ची जो बोल नहीं सकती, ढंग से कह नहीं सकती, अपनी पीड़ा नहीं बता सकती, उसके साथ ये बर्बर जो काम हुआ ही नहीं होना चाहिए। पहली बात, बड़ा अच्छा है कि आज हमारे पैनल पे दोनों वकील हैं, दोनों बहनें वकील हैं और बड़ी सीनियर हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं इन दोनों बहनों से कि आपके पास क्या प्रपोजल है सरकार के लिए, सरकार कोई भी हो, आप आज जब चर्चा नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी पार्टी से रिलेटेड, आप बताओ आपके पास क्या सुझाव है कि ऐसे कल को मामले इस तरीके के आते हैं तो क्या शॉर्ट टर्म में इनको गुनाह इनके साबित होने चाहिए, इनके लिए क्या ऐसा बरबर केस आप बना के लाएंगे कि दूसरा आदमी रात को सोते में भी डरे? आप अपने सुझाव यहां बैठ के ये दीजिए। अगर आप सतीश जी ने कोई बात करी, आपने हल्ला मचाया, मेरी दोनों बहनें बताएं एज ए एडवोकेट आपके पास कौन से ऐसे नियम कायदे कानून है जो इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बच्ची का परिवार कह रहा है कि हम फांसी चाहते हैं इनके लिए, यहाँ पुलिस तय ही नहीं कर पा रही कि हुआ क्या है। इंद्रजीत जी, आई एम सॉरी, पुलिस के तो मैं डिफेंड करूंगी नहीं, उन्होंने गलत किया। जाहिर सी बात है, आज आपको पार्टी को डिफेंड करना है तो पुलिस को क्यों करेंगे? मैं पार्टी की प्रवक्ता होने के बाद कह रही हूं, आज पार्टी को डिफेंड करना तो पुलिस को क्यों करेंगे? इनका जवाब दे दूं इंद्रजीत जी? हां दीजिए ना। इंद्रजीत जी, आपको पता नहीं है कि मोदी सरकार 1.0 मतलब नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार के अधीन ही ये कानून लागू हुआ था कि माइनर्स मतलब 12 साल से छोटी उम्र की किसी बच्ची के साथ अगर बलात्कार होगा तो सजाए मौत मिलेगी, सबसे बड़ी सजा यही होगी। कितनों को मिली? आई एम सॉरी, लागू एमपी में हुआ, बाकी प्रदेशों में तो लागू करने को तैयार भी नहीं है। से नहीं, अरे नहीं हुआ है, तो बहुत बनते आप प्लीज पढ़ के आइए। एंटी डोमिया चालू करा आपने, बच्चा बच्ची को बैठ के जेल में डाल दिया। रोहित जी, बताओ मेरी बात, ये जब कानून लागू हुआ था उसके बाद इसके तहत फांसी भी हुई है, सजाए मौत मिली है रेपिस्ट को, माइनर बच्चियों के, तब अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्या अच्छा, आपके क्लास लूं? आप क्यों बोल रहे हैं? लास्ट कमेंट मोनिका जी, मोनिका जी, मोनिका जी, मोनिका जी, मोनिका जी, कानून है, कानून बनाए गए हैं। लड़ाई नैरेटिव की है या लड़ाई इस बच्ची के इंसाफ की है? लड़ाई इंसाफ की है और यही कहने की है, धर्म मत देखो, जाति मत देखो, जो कल्प्रिट है उसको जो सजा बनती है उससे अधिक सजा दीजिए, पर धर्म जाति देकर आउटरेज मत कीजिए। जो हिंदुस्तान के लोग हैं 125 करोड़ हैं, सब समान हैं, किसी का नाइंसाफी होती है तो पुलिस को वैसा ही एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो ए की बेटी हो या बी की बेटी हो। अब तक समस्या है, कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज रहे हैं, कुछ मैं कह रही हूँ, सोशल मीडिया के आने के बाद सच सामने तो आ जाता है, अब तक तो सच सामने भी नहीं आता था। कानून है, पुलिस को सेंसिटाइज कीजिए ताकि जल्द से जल्द प्रायोरिटी बेसिस पर ऐसे जो एक्यूज्ड हैं, जो शर्मसार करते हैं समाज को, उनको सजा दी जाए। चलिए ब्रेक ले रहे हैं, दंगल आखिरी पड़ा पर होगा, आप देखते रहिए आज तक। तो दंगल के आखिरी पड़ाव पर आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in पर। वैसे आपको बता दें कि दंगल हर शाम 5 बजे फेसबुक पर भी लाइव उपलब्ध रहता है। अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अलीगढ़ की इस मासूम बच्ची के इंसाफ की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है। ठीक 6 बजे हल्ला बोल लेकर आएंगी अंजना इसी विषय पर। आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।